तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हवा हमेशा उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की तरफ गमन करती है। तो जो हवा होती है यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करती है। हवा की दिशा कोरियोलिस बल व फेरल के नियम के अनुसार बदलती है। तो जो हवा की दिशा है यह बदलती है कोरियोलिस बल व फेरल के नियम के अनुसार। वायुदाब को बेरोमीटर की सहायता से नापा जाता है। तो वायुदाब मापा जाता है बेरोमीटर की सहायता से। और जो बेरोमीटर, तो बेरोमीटर की खोज की थी इवान गेलिस्टा टोरिसेली ने। तो बेरोमीटर की खोज की थी इवान गेलिस्टा टोरिसेली ने। बेरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। और यदि बेरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे करता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। और यदि बेरोमीटर का पाठ्यांक जो है यह धीरे धीरे नीचे या ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। तो बेरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना, और धीरे धीरे नीचे या फिर ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रवात की। तो जो चक्रवात है, तो चक्रवात में वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चक्रीय रूप में गति करती है, जिसे चक्रवात कहते हैं। तो जो चक्रवात होता है इसमें जो वायु है यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करती है। चक्रवात के मध्य में निम्न दाब तथा बाहर उच्च दाब होता है। तो चक्रवात में क्या होता है कि मध्य में तो निम्न दाब होता है और बाहर की तरफ होता है उच्च दाब। तो चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जैसे कि यह हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में एक पाया जाता है उत्तरी ध्रुव और एक तरफ पाया जाता है दक्षिणी ध्रुव, और इसके मध्य में 0 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है भूमध्य रेखा, जिसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है कर्क रेखा, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भूमध्य रेखा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है मकर रेखा, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा होती है इसके बीच का जो एरिया है इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस वक्त कर्क रेखा के 66.5 डिग्री अक्षांश के दोनों तरफ पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसके ऊपर पाया जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो एरिया है जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसमें जो भी चक्रवात आते हैं उनको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसी तरह से जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो इनको कहा जाता है शीतोष्ण चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र चक्रवात के मध्य या केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है। तो शांत क्षेत्र पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के चक्रवात के मध्य या फिर केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है, जिसे चक्रवात की आग कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है चक्रवात की आग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रति चक्रवात की। तो जो प्रति चक्रवात है, तो प्रति चक्रवात के मध्य में तो पाया जाता है हाई प्रेशर तथा बाहर की तरफ पाया जाता है लो प्रेशर। तो प्रति चक्रवात में मध्य में हाई प्रेशर होता है जबकि बाहर की तरफ होता है लो प्रेशर। इसी कारण प्रति चक्रवात में हवा बाहर की ओर चलती है। तो जो प्रति चक्रवात है इसमें जो हवा चलती है यह बाहर की तरफ चलती है। जो चक्रवात होता है
तो चक्रवात में जो बाहर की तरफ तो होता है हाई प्रेशर, जबकि मध्य में पाया जाता है लो प्रेशर। तो चक्रवात में बाहर की तरफ होता है हाई प्रेशर, जबकि मध्य में होता है लो प्रेशर। और जो इसमें हवा है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करती है। तो चक्रवात में वायु जो है यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करती है। इसी के अलावा जो प्रति चक्रवात है, तो प्रति चक्रवात में मिडिल में तो होता है हाई प्रेशर, तो मध्य में तो पाया जाता है हाई प्रेशर, जबकि बाहर की तरफ होता है लो प्रेशर। और जो प्रति चक्रवात होता है इसमें जो वायु की दिशा होती है यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो प्रति चक्रवात में जो वायु का गमन होता है यह होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। चक्रवात होता है तो चक्रवात में तेज बारिश होती है। तो चक्रवात में जो होती है वो तेज बारिश होती है, और जो बारिश होती है उसे कहा जाता है फ्रंटल बारिश। तो चक्रवात में जो तेज बारिश होती है उसे कहा जाता है फ्रंटल बारिश। इसी के अलावा जो चक्रवात है, तो चक्रवात की आकृति होती है अंडाकार। तो चक्रवात की आकृति होती है अंडाकार। और जो चक्रवात है, तो चक्रवात में शांत क्षेत्र होता है जिसको कहा जाता है चक्षु। तो शांत क्षेत्र को कहते हैं चक्षु। टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। तो चक्रवातों की शक्ति का मापन जो है यह किया जाता है टी स्केल पर। और जो प्रति चक्रवात है, तो प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है, जबकि चक्रवात में तेज बारिश आती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है। प्रति चक्रवात की जो आकृति होती है यह होती है गोलाकार, जबकि चक्रवात की आकृति होती है अंडाकार। प्रति चक्रवात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। तो जो प्रति चक्रवात है यह आते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। प्रति चक्रवात चक्रवात से बड़े होते हैं। तो जो प्रति चक्रवात होते हैं यह होते हैं चक्रवात से बड़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात की दिशा। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात में जो हवा की दिशा होती है यह किस तरफ होती है। तो जो चक्रवात होता है, तो चक्रवात में क्या होता है कि बाहर की तरफ तो होता है हाई प्रेशर, जबकि मध्य में पाया जाता है लो प्रेशर। और जो उत्तरी गोलार्ध होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो हवा की दिशा होती है यह होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है हवा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा की दिशा है यह होती है क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में तो होती है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होती है क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात। तो जो प्रति चक्रवात होता है इसमें मध्य में तो पाया जाता है हाई प्रेशर, जबकि बाहर की तरफ होता है लो प्रेशर। तो प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु का गमन होता है। और जो उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हवा की दिशा है यह होती है क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा होती है क्लॉकवाइज, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें हवा की दिशा जो होती है यह होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध में होती है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि उत्तरी गोलार्ध में होती है क्लॉकवाइज। तो चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में तो एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होती है क्लॉकवाइज। और सेम ऐसे प्रति चक्रवात में होता है चक्रवात का उल्टा। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें तो होती है क्लॉकवाइज, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें पाई जाती है हवा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम। तो भारत के आसपास समुद्री क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उन्हें चक्रवात कहते हैं। तो भारत के आसपास यानी कि जो यहाँ का एरिया है, इस एरिया में जो समुद्री चक्रवात आते हैं तो उन्हें कहा जाता है चक्रवात। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें कहा जाता है विली विली। तो विली विली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को। नेक्स्ट है टाइफून। तो जो टाइफून है यह आता है चीन, जापान और फिलीपींस के आसपास के क्षेत्रों में। तो चीन, जापान और फिलीपींस के क्षेत्र के आसपास आने वाले चक्रवात को कहा जाता है टाइफून। नेक्स्ट है हरिकेन। तो जो हरिकेन है यह मैक्सिको, फ्लोरिडा
और वेस्ट इंडीज के आसपास के क्षेत्रों में आता है। तो जो हरिकेन है यह आता है मेक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज के आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट आता है टॉर्नेडो। तो जो टॉर्नेडो है यह आता है कैरिबियन सागर में। तो जो टॉर्नेडो है यह आता है कैरिबियन सागर में। और इसी के अलावा जो टॉर्नेडो है, तो जो टॉर्नेडो मैदानी भाग में प्रवेश करता है तो उसे कहा जाता है टॉर्नेडो एली। तो टॉर्नेडो एली कहा जाता है कि जो टॉर्नेडो है यह मैदानी भागों में प्रवेश कर जाता है तो उसे कहा जाता है टॉर्नेडो एली। और जो टॉर्नेडो एली है यह पाया जाता है अधिकतर मिसिसिपी घाटी के आसपास के क्षेत्र में। तो जो टॉर्नेडो एली है यह पाया जाता है मिसिसिपी घाटी में। इसी के अलावा जो टॉर्नेडो है यह दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है। तो जो टॉर्नेडो है यह दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है। और जो टॉर्नेडो है इसकी तीव्रता का मापन किया जाता है फूजिटा स्केल से। तो टॉर्नेडो की तीव्रता का मापन किया जाता है फूजिटा स्केल से। तो यह है विश्व के कुछ प्रमुख चक्रवात, जैसे ऑस्ट्रेलिया के आसपास के एरिया में विली विली, टाइफून पाया जाता है चीन, जापान और फिलीपींस, हरिकेन जो है यह पाया जाता है मेक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज के आसपास के तटीय क्षेत्रों में, जो टॉर्नेडो है यह पाया जाता है कैरिबियन सागर में, और जो टॉर्नेडो एली है तो यह होता है मिसिसिपी घाटी में। और जो टॉर्नेडो है यह जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं टॉर्नेडो एली। और टॉर्नेडो है दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात और इसकी तीव्रता का मापन किया जाता है फुजेटा स्केल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें कहा जाता है प्रति चक्रवात। तो इसका राइट आंसर होगा प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में जो वायुदाब होता है यह होता है केंद्र में सर्वाधिक। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? तो जो प्रति चक्रवात है यह उत्पन्न होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है? तो जो प्रति चक्रवात है यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं। तो जो प्रति चक्रवात है यह चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। तो वायु की दिशा होती है प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में होती है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी है? तो सर्वाधिक विनाशकारी है टॉर्नेडो। तो इसका राइट आंसर होगा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो है। तो जो टॉर्नेडो है यह एक अति निम्न दाब केंद्र है। चक्रवात कब होता है? तो जो चक्रवात है यह होता है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति होती है दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। तो इसका राइट आंसर होगा दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात में वायु की दिशा होती है। तो चक्रवात में जो वायु की दिशा होती है यह होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो जो चक्रवात है इसकी आकृति होती है अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चक्षु। चक्रवात की आग एक विशेषता है। तो चक्रवात की आग एक विशेषता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो जो फ्रंटल वर्षा है यह होती है चक्रवातीय गति से। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो टी मापक पर किया जाता है चक्रवात की शक्ति का मापन। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है टाइफून। तो इसका राइट आंसर होगा टाइफून।
हरिकेन चलते हैं, तो जो हरिकेन है यह चलते हैं मिसिसिपी घाटी में, तो इसका राइट आंसर होगा मिसिसिपी घाटी। टोर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो टोर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रति चक्रवात की विशेषता है, तो जो प्रति चक्रवात है इसकी विशेषता है कि जो मौसम है यह स्वच्छ रहता है, तो प्रति चक्रवात की विशेषता है कि स्वच्छ मौसम। निम्न में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है, तो टाइफून से प्रभावित रहता है फिलीपींस व जापान, तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस व जापान। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इनको ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है विली विली के नाम से, तो इसका राइट आंसर होगा विली विली। निम्न में से किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है, जो चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है पापागियो में, तो इसका राइट आंसर है पापागियो। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो जो टॉर्नेडो है यह है कैरिबियन सागर में एक प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यह था आज का हमारा वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।